Please share and subscribe and help us to grow more. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एड्यूटेनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन वीडियो रहेगा, पार्ट टू रहेगा चैप्टर टू पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड 10 का। और जो हमने पहले टॉपिक किया था वो कंसेप्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमने पहले पढ़ा और जो कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको पता ही है उसके बीच में, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें जो टॉपिक्स है आपको पता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसके इक्वल्स में हमको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स और दोनों का हमको रिलेशन मिलेगा। तो आप अगर इस टॉपिक में आपको डाउट है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, इसमें आपने मैं आपको पूरे डिटेल में ये वीडियो टॉपिक समझाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार बोलना चाहूँगा कि पिछले जितने वीडियोस मैंने बनाए उसमें एक दो कंप्लेंट होता है कि बोर्ड नहीं देखा था ठीक से। तो मैंने इस बार क्या अप्रोच लिया है कि मैंने कैमरा का मेरा फुल फोकस अब सिर्फ बोर्ड रहेगा, तो मेरा आपको सिर्फ हाथ ही देखेगा, आप पूरा बोर्ड अच्छे से देख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगा हो इस वीडियो में जो मेरा फुल फोकस बोर्ड पे, तो हमको जरूर सजेशन कमेंट्स में थम्स अप करके जरूर हमको बताना, जिससे हमको भी पता चले कि ऐसा ही मैं आगे वीडियोस ऐसे ही मुझे बनाना है। तो थोड़ा जोश के साथ शुरुआत करते हैं। How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. I said how is the Josh? Hi sir. So बच्चों, पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं जो इसके पहले हैं, जो रह गया है तो वो भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, हम कुछ बाकी नहीं रखेंगे। वो क्या है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका क्या मीनिंग है कि आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, 9th स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने क्या एक एज्यूम किया है, लेट देयर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स माइनस 1 1 एंड 1 3। मतलब इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है कि जो हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने जो पढ़ा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका असलियत में मीनिंग क्या है, तो आप ये इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट देयर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स माइनस 1 1 एंड 1 3। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये x प्लस 2 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ बनाया 1 3 से, ये 1 3 और ये माइनस 1 1, तो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमको क्या करना है इसमें कि हमको ये स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन बना, ये जो ग्राफ बना हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल का, इसको हमको एक्सटेंड करना है और हमको ये देखना है कि ये x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं। तो देखो ये मेरा आता है एक्सटेंड किया ओके। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया तो ये माइनस 2 से पास हुआ, ये वाला पॉइंट से पास हुआ, ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, ये हमारा वाला पॉइंट होगा माइनस 2, हमारा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। अभी ये जो हमारा ग्राफ जो इंटरसेक्ट हुआ है x एक्सिस को जो पॉइंट पे, उसका जो x कोऑर्डिनेट है, वो x कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, वो हमारा क्या हो गया माइनस 2। ये जो है हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल मतलब x प्लस 2। आप इसे रिचेक भी कर सकते हैं, हमारा ये हमारा जीरो है, मतलब इसको हम k बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल x प्लस 2 है। हमारा क्या कंसेप्ट है कि p ऑफ k हमारा जीरो होना चाहिए, वेयर p ऑफ x इज x प्लस 2। तो x के बजाय हम k रख देते हैं, वो है k प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा प्रूव हो गया। सो बच्चों, इस टॉपिक हमारा जो टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको समझने के लिए हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके बीच में जो रिलेशन है वो आज हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम क्यूबिक में आएंगे। तो हम उसके लिए एग्जांपल लेते हैं x square plus 3x plus 2 बराबर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है, वो 1 है, तो a equals to 1, x का कोएफिशिएंट 3 तो b equals to 3, और हमारा कांस्टेंट 2 तो c equals to 2। और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और इससे हम पहले हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, फिर हम एक्स को कॉमन लेंगे, फिर हमारा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू और माइनस वन, ये हमारा जीरो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया, ये मिल गया हमको, दो जीरो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों इसको समझना शुरू करते हैं। तो हमारा कोफिशियंट हमने हमको मिल गया है, हमारा इसका जीरो भी फाइंड आउट। इसका पहले मैंने और एक एग्जांपल ले लिया, वो क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। अब इसको भी इसका पहला कोफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर का टू, एक्स का माइनस एट और कॉन्स्टेंट हमारा सिक्स। इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो इसको इसका जो हमको जीरो मिलेगा, दो जीरो वो क्या है, पहला वन है और दूसरा थ्री है। तो पैरेलली करेंगे तो जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला हम क्या हमको क्या कौन सा फॉर्मूला फाइंड करना है, वो है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, माइनस टू प्लस माइनस वन, क्या होगा, माइनस टू प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। अब हम इसको कैसे फॉर्मुलेट करें, हमको इसको ऐसे बताना है कि कोफिशियंट के फॉर्म में बताना है, वो फिट भी बैठ जाए। अब हमको माइनस थ्री दिखाना है, हमारे पास तीन कोफिशियंट है, टू थ्री और वन। अब देख सकते हैं कि जैसे जब मेरे पास थ्री है पर मुझे माइनस थ्री चाहिए, और थ्री बाय वन करेंगे, थ्री बाय वन करेंगे तो हमारा थ्री बाय वन पहले किया हमने, पर हमको तो माइनस थ्री चाहिए तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया। अब हमारा थ्री जो है वो बी है, थ्री हमारा बी हो गया, वन हमारा ए हो गया और ये माइनस, तो हमको ये पहली फॉर्मूला मिली। पर आपको बोलेंगे ये थ्री बाय वन नहीं क्यों किया, ये वन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए पैरेलली एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हम हमारा सम ऑफ जीरोस क्या, वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर। अब हमको फोर बनाना है, बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे एट है और यहाँ पे हमारे पास टू है, तो एट बाय टू क्या हो गया, फोर, तो एट बाय टू कर लेंगे, ये हमारा फोर हो जाएगा। पर आप देख सकते हैं कि बी में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लगाना अनिवार्य है, माइनस लगाना ही पड़ेगा। तो हमने माइनस लगाया, तो माइनस लगाया तो हमारा तो माइनस फोर हो रहा है, तो हमको फिर से माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा बी है, हमको तो कैसे भी कोफिशिएंट को तो यूज करना है, कोई सा भी बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, तो हमको हमने बी का इस्तेमाल किया और एक का इस्तेमाल हमको करना ही पड़ा, क्योंकि एट बाई टू ही फोर होता है, तो माइनस एट हमारा बी हो गया, एट ए हमारा टू हो गया, क्योंकि ये माइनस फोर बन रहा है इसलिए हमने माइनस आगे लगा लिया, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमारा ये फॉर्मूला बनेगा सेम, ये माइनस एट क्या बोल सकते हैं बी, ये टू क्या बोल सकते हैं ए, ये माइनस पहले बाहर लगा हुआ माइनस, तो ये हमारा दोनों में आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा चेक हो गया, चेक चेक। अब हमारा दूसरा टॉपिक पे आता है, तो बच्चों अब हमारा दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस टू इंटू माइनस वन, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, टू इंटू वन टू। अब हमको टू बनाना है, कोफिशिएंट में ढूंढना पड़ेगा, तो हमारा सी टू है, तो हम डायरेक्ट टू लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सी है, और हम बाय वन भी करेंगे, टू बाय वन भी टू ही होता है, और ये टू हमारा है सी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी, और ये हमारा वन ए, तो सी बाय ए। रीचेकिंग करना पड़ेगा, आप बोलेंगे वन का क्यों इस्तेमाल किया, टू भी सी भी लिख सकते थे इसको, तो आते हैं हमारे दूसरे इसमें एग्जांपल में, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन टू थ्री थ्री। अभी देखो हमारे पास जो कोफिशिएंट है इसमें सिक्स है, थ्री नहीं है, तो सिक्स और सिक्स को अगर हम ए से डिवाइड करेंगे टू, तो हमको थ्री मिल जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिक्स बाई टू, तो ये हमारा सिक्स क्या हो गया सी, और हमारा टू क्या हो गया ए। आप ये दो एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हमारे ये बी चेक, ये भी चेक, तो आप बोलेंगे बाय वन की इनके कोई जरूरत नहीं थी, पर आप जब ये दोनों एग्जाम्पल को पैरेलली कंपेयर करेंगे तो आपको एक स्टेडी फॉर्मूला मिल रही है, एक स्टेडी फॉर्मूला मिल रही है, मतलब आप सही जा रहे हैं, मतलब ये हमारा हमको फॉर्मूला मिल गई है, तो आप मैं बोर्ड क्लियर करके आपको अच्छे से फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो बच्चों अब हम हमारे फॉर्मूला पे आ जाते हैं, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या मान लिया हमको, जनरली हमको हमने पहला जीरो जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसको अल्फा मान लिया, दूसरा जीरो को हमने बीटा मान लिया, तो हमने प्रूव किया जैसे
जैसे हमने पहले पूर्ण किया तो उससे हमको क्या पता चला, सम ऑफ जीरोस वो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय, जो हमने प्रूव किया ये लिखा है मैंने, और ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। और एक टॉपिक है क्यूबिक पॉलीनोमियल्स लेना है हमको, उसमें क्या होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमारे चार कोफिशियंट होंगे और हमारे तीन जीरोस होंगे, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक में दो होते हैं तो क्यूबिक में तीन जीरोस आते हैं। उसमें क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय। अब इसका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ अच्छे से एग्जाम्पल 4 के नीचे शायद आप देख सकते हैं, इसमें वो समझाने भी जाऊंगा। तो ऐसे जैसे मैंने ये समझाया वो सेम ही ऐसे कंसेप्ट पे वही समझा सकता हूँ, और क्या बहुत टाइम ले लेगा तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाय, मतलब ये लास्ट हमारा कॉन्स्टेंट बाय हमारा ये पहला कोफिशन और उसके पहले माइनस, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है, इसमें एक्स्ट्रा एक और रिलेशन है, वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा जो बोला इक्वल्स टू सी बाई ए। ये हमारे तीन क्यूबिक पॉलीनोमियल, उसका जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन, और ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसका जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन, उसमें दो रिलेशन है इसमें तीन रिलेशन है। बच्चों एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि हमको बोला है कि सम ऑफ जीरोस, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात हो रही है, वो हमारा है 1/4 और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो है माइनस वन। ये दोनों का इस्तेमाल करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करना है, उसको हमको बताना है कि हमारा सम ऑफ जीरोस वो पॉलीनोमियल का दिया हुआ है, वो पॉलीनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उससे हमको पॉलीनोमियल ही फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमारा फॉर्मूला पे आ जाते हैं, क्या फॉर्मूला हमारा सम ऑफ जीरोस का, वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारा माइनस बी बाई ए। हमको अल्फा बीटा ने हमको अल्फा प्लस बीटा ही दे दिया है, तो हम वो क्या है हमारा 1/4, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये माइनस को इस साइड ले लेते हैं, देयरफॉर -1/4 इक्वल्स टू बी बाई ए। तो हमको इससे क्या मिल गया, बोल सकते हैं ये हम -1/4 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारा बी हो गया -1 ए हो गया 4। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये हमारा क्या है 4, तो यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है -1 सी बाई 4, देयरफॉर हमारा सी क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास तीनों कांस्टेंट आ गए हैं हमारे, जो हमको चाहिए बेसिकली कोई भी पॉलीनोमियल के। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है पॉलीनोमियल का, और अब कर लेते हैं इसको, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमको ए दिया हुआ है, ए हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया है हमारा ये 4, बी हमारा क्या आया -1 और सी हमारा क्या आया -4, क्योंकि -1 यहाँ पे -1 था इक्वल टू सी बाई, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया -1, देयरफॉर तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारा 4x² माइनस एक्स -4 ये हमारा पॉलीनोमियल। तो कैमरा पे आ जाता हूँ। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगेन मैं बोलूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी अप्रोच के बारे में तो ज़रूर बोलना एंडिंग में वीडियो कमेंट्स में कि आपको ये अप्रोच कैसा लगा, आपको बोर्ड अभी अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आप थम्सअप कह के आप हमको हमको बोल सकते हैं कि आपको ये अच्छा लगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो से अब ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया मैंने मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अभी मेरे करंटली 42 सब्सक्राइबर्स है और मेरा
650 से ज़्यादा व्यूज़ हो गए, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे मैं मेरा और व्यूअरशिप बढ़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। और आप और एक रिक्वेस्ट है कि जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरा लास्ट तक वीडियो देखता है उसका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, और आपके लिए